नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हत्था जोड़ी तांत्रिक वशीकरण प्रयोग। दोस्तों, हत्था जोड़ी तांत्रिक प्रयोग में काम आने वाली एक दुर्लभ एवं चमत्कारिक वस्तु है। ये एक प्रकार की वनस्पति बिरवा की जड़ है, लेकिन इसे दुर्लभ माना जाता है क्योंकि ये सहज उपलब्ध नहीं होती है। अमरकंटक में अगर कोई जाए तो वहाँ के आसपास के जंगलों में आपको बिरवा का पौधा देखने मिल सकता है। जब यह पौधा आपको दिखे तो गलती से भी उसको छूना नहीं, क्योंकि उसके पत्ते विषैले होते हैं, जिसको छूने से बहुत देर तक इंसान को खुजली की तकलीफ होती है। किसी धारदार लोहे के लंबे सलाख से पौधे के आसपास खुदवाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 फीट खोदने पर आपको बिरवा के जड़ में एक ऐसा जड़ दिखेगा जिसके दोनों हाथ जुड़े हुए होते हैं, और उसको जब ज़मीन से बाहर निकाला जाए तो वह कुछ दिनों तक सूखने के बाद थोड़े बहुत एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। मतलब जुड़े हुए हाथ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और यह एक निसर्ग का संकेत माना जाता है। जैसे अब तक मैं माँ धरती से हाथ जोड़कर कामना करता था कि मुझे दुनिया के काम आना है, और जब मुझे ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाए तो मैं अपने जन्म के बाद अपने दोनों बाहें फैलाने की कोशिश करूँगा ताकि माँ को आभार व्यक्त कर सकूं। निसर्ग हमें बहुत कुछ सिखाता है, परंतु हम आसानी से समझ नहीं पाते। जैसे अघोर तंत्र में हत्था जोड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भगवान प्रतेश्वर को प्रणाम करने हेतु किया जाता है। बहुत सारे अघोरी इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते हैं। इसका रहस्य आज आपको बता देता हूँ। स्वयं महाकाली जी का निवास स्थान श्मशान में माना जाता है, और भगवान प्रतेश्वर को अगर माँ अपने बच्चे महाकाली साधक के लिए प्रणाम करे तो प्रतेश्वर भगवान को साधक की इच्छा को पूर्ण करना ही पड़ेगा। जब माँ ने दैत्यों का नाश किया तो स्वयं अम्बाजी ने महाकाली जी को चामुंडा नाम दिया था, जो उग्र स्वरूप होकर भी अपने बच्चों के लिए ममता स्वरूपिणी है। हत्था जोड़ी में माँ चामुंडा का निवास होता है, और अघोर साधक हत्था जोड़ी को अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। साथ में माँ से कामना करते हैं कि हे माँ, माँ महाकाली, मुझे पूर्ण सिद्धि हेतु भगवान अघोरेश्वर प्रेतेश्वर से आशीर्वाद चाहिए, और वह आपकी बात को कभी टाल नहीं सकते हैं। तो माँ, मेरे तरफ से इस हत्था जोड़ी के माध्यम से मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपया आप मेरा प्रणाम भगवान प्रतेश्वर स्वीकार करें। ऐसी कृपा मुझे प्रदान करते हुए मेरा कार्य सिद्ध करें। इस प्रार्थना को माँ स्वीकार करते हुए स्वयं प्रतेश्वर भगवान से अपने बच्चे के लिए कामना करती है। हत्था जोड़ी का महत्व साधारण नहीं है, इसलिए
ओरिजिनल हत्या जोड़ी मिल जाए तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। आज के समय में शालिग्राम शिला और हत्था जोड़ी मार्केट में सस्ते दामों पर 100% डुप्लीकेट मिल जाती है, परंतु जीवन में एक बार अगर ओरिजिनल मिल जाए तो यह सौभाग्य ही माना जाएगा। किसी के भी हृदय में स्थान वशीकरण बनाने हेतु हत्था जोड़ी एक चमत्कारिक तांत्रिक सामग्री मानी जाती है। कहा जाता है हत्था जोड़ी के माध्यम से किया जाने वाला वशीकरण क्रिया अचूक होता है और कई वर्षों तक वशीकरण क्रिया का असर रहता है। जैसे अन्य वशीकरण क्रियाओं में वशीकरण का असर धीमा हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, हत्था जोड़ी के माध्यम से किया जाने वाला वशीकरण प्रयोग गोपनीय होता है, जिसे सिर्फ समाज में कल्याण हेतु किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव देखने नहीं मिलता है। हवस के आदि हुए लोगों को, किसी भी स्त्री या पुरुष को परेशान करने हेतु ऐसी उच्च कोटि की क्रिया नहीं करनी चाहिए। हत्था जोड़ी धन प्राप्ति, व्यवसाय वृद्धि, कोर्ट कचहरी, विद्या प्राप्ति, इतर योनि सिद्धि, नवारण मंत्र सिद्धि, महाकाली साधना, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह हेतु, मनोवांछित वर वधु प्राप्त करने हेतु और ऐसे कई कार्य हैं जिनमें सफलता प्राप्त करने हेतु अवश्य सामग्री मानी जाती है। हत्था जोड़ी की प्राण प्रतिष्ठा साधक के नाम से ही करनी चाहिए ताकि उसको पूर्ण लाभ मिले और साधक के प्रत्येक विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प लेकर ही हत्था जोड़ी को चैतन्य किया जाना चाहिए। मैंने आज यहाँ पर हत्था जोड़ी के बारे में जितना भी बताया है उतना अन्य कहीं आपको पढ़ने नहीं मिलेगा। हत्था जोड़ी प्रामाणिक रूप से ही साधक को प्रदान किया जाना चाहिए तो देने वाला भी पुण्य का भागी होता है और अप्रामाणिक देने वालों के हाल बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि दुनिया में जिससे चाहो उससे अप्रामाणिकता दिखा सकते हो, परंतु माँ चामुंडा से डरना जरूरी है, अन्यथा माँ नाराज होकर अप्रामाणिक हत्था जोड़ी देने वालों पर क्रोधित हो जाती है। मर्यादा में रहकर इंसान जो भी कार्य करता है उसे उसका शुभ फल प्राप्त होता ही है और अशुभ कार्य करने वाले ज़्यादा दिनों तक जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। इसका वशीकरण प्रयोग इस प्रकार है। दुर्गा जी के मंदिर जाइए और माँ से कामना कीजिए, फिर घर में बैठकर शाम के समय स्फटिक माला से 21 माला मंत्र जाप 21 दिनों तक रोज कीजिए और मंत्र जाप के बाद लाल रंग के पुष्प भगवती जी के चित्र चरणों में चढ़ा दीजिए। कार्य पूर्ण होने के बाद पीली सरसों से 108 आहुति हवन में दे दें ताकि वशीकरण का असर कई वर्षों तक कायम रहे। इस साधना में हत्था जोड़ी जो सिर्फ वशीकरण हेतु इस्तेमाल करना है, जो चामुंडा विजोक्त मंत्र से सिद्ध हो, अन्य कार्यों के लिए नहीं। जिसको वश में करना है उसका फोटो के साथ लाल धागे से बांधे और लाल धागे से बांधते समय एक विशेष मंत्र का 7 बार
जाप करना होता है ताकि पूर्ण कार्य सिद्ध हो सके। मेरे अनुभव के हिसाब से बिना इस क्रिया के कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि यह विशेष मंत्र जो मैं यहाँ दे रहा हूँ प्रत्येक माला के बाद फोटो पर बांधी हुई हत्था जोड़ी को कुमकुम का तिलक करना है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम चामुंडे कुरिय मदंडे अमुक हृदय मम हृदय मध्ये प्रवेशाय 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 स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। साधना पूर्ण होने से पहले ही साधक का कार्य पूर्ण होते हुए अनुभव किया गया है, परंतु कभी कभी साधना समाप्ति के बाद 8 या 10 दिनों तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।